अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर कल की तगड़ी तेजी के बाद आज थोड़ी सी विराम के साथ कारोबार हो रहा है। हल्की सी मुनाफा वसूली इस घंटे अब थोड़ा सा दिख रही है स्क्रीन पर। 22,172 के लेवल्स आपको निफ्टी पर दिखाई देंगे, मामूली 24 पॉइंट नीचे हैं हम। आप लेकर आइएगा निफ्टी बैंक का हाल, क्योंकि निफ्टी बैंक की तर्ज पर ही कल तेजी बनी थी, वहां पर भी आज थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड है। करीब करीब 120 अंकों की गिरावट अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। 47,363 तक हम पहुंचे लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। अब 47,000 के नीचे इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए लेकर आते हैं मिड कैप का हाल भी, तो ये भी कुछ हल्का नेगेटिव हो चला है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज थोड़ी सी विपरीत होती हुई कल के एक तरफा मूव के बाद। देखिए ये कुछ ही देर पहले का हाल है कि अब तक अच्छी तेजी थी, मार्केट ब्रेथ वाइड थी, बढ़ने वाले शेयर कमांड में थे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वहां पर मुनाफा वसूली के अंश भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स में क्या हो रहा है, तो आज HDFC बैंक कल की धमाकेदार तेजी के बाद थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है। ये इनफैक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है नेगेटिव साइड पर। इसमें आप एक्सिस भी जोड़ ले, और टेक्नोलॉजी में कल बिकवाली थी, आज वो एक्सटेंड हुई है इन्फी और HCL टेक में। हाउएवर रिलायंस थोड़े से फॉर्म में है, भारतीय एयरटेल में खरीदारी, JSW स्टील और बैंकों में ICICI बैंक का दरअसल साथ मिल रहा है। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की ताज़ा स्थिति। अब यहाँ से आगे आपकी क्या पोजिशनिंग होनी चाहिए, किन ट्रेड्स पर आप फोकस करेंगे, ये हमारे जानकार आपको बताएंगे, और उनके कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये है आपके लिए कल दोपहर तक की स्थिति। प्रदीप 1% के रिटर्न्स कमा पाने में कामयाब रहे हैं, -2.2% के रिटर्न्स ओशो के, अरुण कुमार मंत्री -5% के रिटर्न्स पर हैं। कल तो बड़ी तेज़ी थी, उसके बावजूद ये थोड़ा सा पेन देखने को मिला। प्रदीप, अब यहाँ से मार्केट की अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि 122-200 का लेवल हमने हासिल किया है, उसके बाद शायद कुछ विराम ले रहा है मार्केट। नहीं प्रदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही, ये कल भी हो रहा था। आई थिंक आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी पुअर है, आपके पास मैं लौटूंगी। ओशो, आपकी अप्रोच क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल देखिए, मार्केट में अभी अगर हम देखें तो ऑल दो ऑल टाइम हाईस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, बट जितने भी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें थोड़ा सा सेल ऑफ प्रेशर देखने को मिल रहा है। अप्रोच अभी भी बुलिश है, हमें डिप का वेट करना चाहिए। लार्ज कैप एंड हेवी वेट्स में काफी स्ट्रांग मूवमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपना अप्रोच रखना चाहिए। लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए अभी के डेट पर, बिकॉज यहाँ से अगर डिप आता है नियर अबाउट 22,000 निफ्टी का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, तो इस लेवल पे अगर निफ्टी जाता है तो हमें वहां से वापस बहुत स्ट्रांग बाई देखने को मिल सकता है। वहीं हायर लेवल्स पे देखें तो एज अनचार्टेड टेरिटरी पे है, तो रेजिस्टेंस निकालना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे स्ट्रांग मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा। बट लोअर लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रहें। इमीडिएट बेसिस पे 22,280 and 300 का रेजिस्टेंस है, फॉलोड बाई 380 and 400 का रेजिस्टेंस, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना अप्रोच रखना चाहिए। अरुण, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कंसीडरिंग आपको एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है कैचअप के लिहाज से, वो पॉजिटिव रिटर्न्स कमाने के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, देखिए डेफिनेटली एक दो स्टॉक के वजह से काफी बड़ा डेंट देखने को मिला है, बट अगेन जैसा कि ओशो ने कहा, लार्ज कैप्स में मोमेंटम काफी अच्छा है, मिड कैप्स में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम हो रहा है, ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं, पर अगेन साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है, पर स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में भी स्ट्रेंथ अच्छी नजर आ रही है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, पर मेरे पोजिशनल टारगेट 22,400 तक के हैं, 22,200 का इमीडिएट टारगेट था, पर अब 22,400 तक मुझे लग रहा है फेब एक्सपायरी उसी के पास होनी चाहिए। एक क्लियरली अच्छी चीज हुई है मार्केट में, स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड हो चुका है 22,000 का। जब तक 22,000 के नीचे निफ्टी नहीं जाता आपको लॉन्ग साइड रहना है। 22,000 के नीचे निफ्टी जब भी जाए और क्लोज हो जाए तो अपनी पोजिशन से आपको निकल जाना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी है, 22,400 के इमीडिएट पोजिशनल टारगेट्स है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर व्यू। कोशिश करते हैं प्रदीप से फिर बात करने की। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, और आप इनफैक्ट प्रदीप का लगे हाथ पोर्टफोलियो भी दिखा दीजिए, वो भी ट्रेड ले लेंगे साथ ही साथ, लेकिन अप्रोच क्या है आज के लिए प्रदीप? जी जी, आई होप अब बेटर है जी। तो अप्रोच तो निफ्टी पे हमारा पॉजिटिव ही है, हमारे हिसाब से 22,550-22,600 के नेक्स्ट अपसाइड टारगेट हम देखते हैं, पर मिड कैप और स्मॉल कैप में अंडर परफॉर्मेंस हमने कल भी ऑब्जर्व किया था,
और ये अंडर परफॉर्मेंस आज कंटिन्यू कर रहा है, तो ब्रॉडर इंडेक्सेस का पार्टिसिपेशन थोड़ा लैकिंग है और वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। पर फिलहाल जब तक निफ्टी हमारे जो 22,000 के अभी रिवाइज स्टॉप लॉस के ऊपर होल्ड कर रहा है, तब तक हम अभी भी पॉजिटिव व्यू लेके ही चलेंगे और बाय साइड के ही ट्रेड जोड़ेंगे। ओके, बाय साइड के ट्रेड ही रहेंगे। और प्रदीप ने कल से आज में कोई ट्रेड कैरी नहीं किया है, कल ज्यादातर ट्रेड्स में मुनाफा बुक किया या फिर एग्जिट किया। प्रदीप, आज का ओपनिंग ट्रेड क्या है आपका? ओपनिंग ट्रेड रहेगा सन फार्मा पे बाय रिकमेंडेशन। सन फार्मा एक अच्छी अपमूव के बाद 7 सेशन कंसोलिडेट हुआ था और कल के सेशन में इसने आर्ली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म किया है। 1543 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे, 1519 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1600 के टारगेट रहेंगे। 1600 के लिए एक अपॉर्चुनिटी सन फार्मा में बन रही है। तेजी करके चले, 1519 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये वो ट्रेड बाय साइड का। ओशो का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखेंगे। टाटा कम्युनिकेशन को ये कैरी कर रहे हैं, बाकी दूसरे ट्रेड्स में इन्होंने दरअसल अपनी पोजीशन काट ली, चाहे वो डॉक्टर लाल हो या फिर टाटा केमिकल, जिसमें इन्होंने प्रॉफिट बांधा। 1880 के लिए टाटा कम्युनिकेशन को अभी भी होल्ड किया हुआ है। आपका ट्रेड क्या रहेगा? केमिकल स्पेस में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, सो मेरा केमिकल स्पेस से ही एक काउंटर पे बाई का अप्रोच है। आरती इंडस्ट्री में अगर हम देखें, कल काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, आज भी 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ये काउंटर, सो आरती इंडस्ट्री पे बाई की सलाह बन रही है। स्टॉपलॉस 688 का मेंटेन करके चले एंड आने वाले 1 से 2 दिनों में 735 के टारगेट्स का अनुमान लगा सकते हैं आरती इंडस्ट्री पे। 735 के लिए आरती इंडस्ट्री में ट्रेड तेजी का लेकर चले, 688 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए राय है। अरुण का पोर्टफोलियो देखें तो इंजीनियर्स इंडिया के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं या फिर कल से आज में लेकर आए हैं। वहाँ पर टारगेट 255 का है क्लियरली, लेकिन इनके दो कल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, आरती ड्रग्स और सोना BLW। बताइए अरुण, नया ट्रेड क्या होगा? अच्छा जी, अगेन एक मिड कैप कंपनी रहेगी। मुझे लग रहा है मिड कैप्स में थोड़ा कंसोलिडेशन है, पर वहीं पे अच्छे रिटर्न्स बनने चाहिए, तो हुडको में बाई करने की सलाह रहेगी। 203-204 के आसपास चल रहा है ये, एक असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट के लिए तैयार है, तो 203-204 के आसपास बाई करें, 196 का स्टॉप लॉस लगाएं और 230 का टारगेट। 230 के टारगेट के लिए तेजी वाला ट्रेड ये हुडको पर राय आपके लिए बाय साइड की आ रही है। 196 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल इस समय का बाय कॉल। एक एक ट्रेड आ चुका है, इनफैक्ट एक एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं हमारे जानकार, उस पर आएंगे। लेकिन बात करते हैं जैगल प्रीपेड ओशन की। ये प्रीपेड कार्ड सर्विसेज में है कंपनी। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 10 गुना बढ़कर आया है। आय में लगभग 35% तक की बढ़त देखने को मिली। कॉर्पोरेट कस्टमर बेस भी करीब करीब 28% बढ़ा है। तो क्लियरली हर पैरामीटर पर कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। हमारे साथ इसी पर और डिटेल देने के लिए कंपनी के MD और CEO अविनाश गोड़खिंडी है। अविनाश जी, स्वागत है आपका। एक बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड क्वार्टर, ये मोमेंटम आगे भी जारी रहने की उम्मीद? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा, आपका और आपके चैनल का इस अवसर के लिए। हाँ जी, मोमेंटम तो अच्छी है और हमने गाइडेंस दे रखी है कि ये साल हम 40-50% ग्रो करेंगे और अगले साल में भी हम 40+ ही देख रहे हैं ग्रोथ। तो क्योंकि बहुत हेडरूम है हमारे बिजनेस में, ये क्षेत्र जो है डिजिटाइजेशन का, स्पेंड मैनेजमेंट का, ये हर एक कंपनी को इसकी नीड है, दरकार है, और सब चाहते हैं ज्यादा कंप्लायंट रहें, सब चाहते हैं लीकेज कम हो जाए, सब चाहते हैं वो अपना डेटा बहुत सुरक्षित रखें, सबको चाहिए कि एक्सेस उनका बहुत इजी हो जाए, और वही सुविधाएं हम उनको दे पाते हैं थ्रू आर प्लेटफॉर्म। और जो हम प्रीपेड और कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स करते हैं 11 बैंकों के साथ। तो इस समय आपके कितने नए कस्टमर एडिशन हुए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, अगर उसका एक अंदाजा मुझे दे सके? देखिए, हर साल हर्षदा हम 600-650 कॉर्पोरेट कस्टमर ऐड करते हैं, शायद पिछले क्वार्टर में हमने 105-110 कॉर्पोरेट ऐड करे हैं, और अब हमारा पूरा ध्यान इस तरह से है कि हम कैसे बड़े और बड़े कॉर्पोरेट्स को अक्वायर करें। काफी सारे हाल फिलहाल में हमने बड़ी
एक्विजिशंस करी हैं कॉर्पोरेट की, और आने वाले दिनों में भी हम अनाउंस करेंगे कुछ बड़ी कॉर्पोरेट्स जो हमने अक्वायर करी हैं। तो हमारा ध्यान पूरा इस तरफ है कि हम क्रॉस सेल कैसे बढ़ाएं अपने बड़े कॉर्पोरेट्स में, और हम जो अपना बड़ा बिग कॉर्पोरेट एंटरप्राइज कॉर्पोरेट का बेस है उसको और भी कैसे सुदृढ़ बनाएं। ये देख, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके बिजनेस में मार्जिन्स में क्या कुछ ज्यादा वेरिएशन होने के चांसेस हैं? क्योंकि एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, ईयर ऑन ईयर 5-10% हो गया आपका मार्जिन, तो रफली डबल हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वो 8-10 हुआ है, तो ग्रोथ है। किस इवेंट में इफ एट ऑल मार्जिन में कमी आएगी, इफ यू कुड जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड दैट, बढ़त तो आ रही है उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए मार्जिन्स जो है ये एक न्यू एज बिजनेस है, SaaS फिनटेक कंपनी है, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है इसमें, जितना आप स्केल पकड़ते हैं उतना ही आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको आप स्वेट आउट करा पाते हैं, क्योंकि आपने जो निवेश करना था सॉफ्टवेयर में तो वो तो एक बार ही कर दिया, और आने वाले सालों में उसका आप फायदा उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे बिजनेस में जितने आपके बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उसको देख के बाकी बड़े कॉर्पोरेट्स को बड़ी तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई ये एक टाइटन के साथ काम करते हैं, एक तोशिबा के साथ काम करते हैं, इनका अभी हाल फिलहाल में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अकाउंट साइन हुआ है, क्वेस्ट कॉर्प के साथ अकाउंट साइन हुआ है, तो जब ये मोमेंटम दिखती है लोगों को तो उनको बड़ी तसल्ली मिलती है कि हाँ अच्छी कंपनियां इनके साथ काम करते हैं तो हम भी इनके साथ कर सकते हैं। साथ ही में अर्जदा क्या होता है कि किस तरह के बैंक आपके साथ पार्टनर कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में हमने हमारा एक्सिस बैंक के साथ जो पार्टनरशिप है वो अनाउंस करा, ICICI हो गया, SBI हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, इंडसइंड, यस, IDFC फर्स्ट, सो सारे नामी ग्रामी बैंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, और उससे बड़ा आश्वासन मिलता है कॉर्पोरेट्स को और बाकी बैंकों को कि इनके प्रोसेसेस सिक्योर हैं, इनका डेटा सिक्योर है, और लिस्टिंग के भी फायदे हैं, लिस्टिंग के साथ लोगों को ये विश्वास मिलता है कि इनकी कंप्लायंस अच्छी है और ये यू नो डिसिप्लिन रहेंगे एज अ कंपनी। तो आप लोग भी फिर क्या आपके प्लेटफॉर्म पे कितने एक्टिव यूजर्स हैं इस डेटा पॉइंट को टाउट करते हैं, क्योंकि वहां पर मैं देख रही हूँ यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म हैज इंक्रीज बाय नियरली 18.5% ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये थोड़ा सा फ्लैटिश है। देखिए यूजर्स का जहां तक सवाल है अर्शदा और कॉर्पोरेट्स का भी, हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही ट्रैक करते हैं, क्योंकि किसी क्वार्टर में मेरे यूजर्स थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, किसी क्वार्टर में कुछ यूजर्स एक्टिव नहीं होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर एक यूजर मेरे प्लेटफॉर्म को हर दिन इस्तेमाल करे। तो ग्रोथ तो ओवरऑल हम इस तरह से देखते हैं कि हमारी ओवरऑल यूसेज कितनी है, कितने ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, कितने कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, कितने नए यूजर्स जुड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमको पता है इस चीज का तो आज नहीं तो कल आपको यूज करना ही है, आपके कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉई एक्सपेंसेस आएंगे ही, आपको वो एक्सपेंसेस सबमिट करने ही पड़ेंगे, कोई ना कोई तो आपको स्कीम चलानी ही पड़ेगी टू ड्राइव योर चैनल स्पेंड्स, और आपको कोई ना किसी न किसी वेंडर की पे आउट करनी ही होगी, तो आज नहीं तो कल आप मेरा प्लेटफॉर्म भी यूज करेंगे। अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, काफी चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन कई निवेशकों के पास रहती है, लेकिन आज आपसे बातचीत करके काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपने शेयर की है। गुड लक टू यू, एंड बस उम्मीद है कि ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का सिलसिला बरकरार रहेगा। स्टॉक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, रीसेंट लिस्टिंग है ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, स्टॉक आज करीब करीब फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, लेकिन फ्लैट तो मार्केट भी है। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते हैं अरुण प्रदीप और रोशो ने कुछ नए ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन, तीन जानकारों के बीच मुकाबला, एक एक ट्रेड आ चुका है, अगला ट्रेड इस समय दे रहे हैं या फिर कुछ टाइम लेंगे। ओशो क्या इरादा है? अगला ट्रेड भी तैयार है, FMCG स्पेस से है, FMCG में अगर हम देखें तो थोड़ा लो बीटा होने की वजह से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट में, अगर हाई लेवल से करेक्शन आ रहा है तो FMCG स्पेस अभी भी थोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, सो सेकेंड काउंटर बाई का रहेगा गोदरेज कंज्यूमर्स पे, गोदरेज कंज्यूमर करेंटली 1230 से 35 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल्स पे बाई करने की सलाह है, 1208 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, एंड इमीडिएट बेसिस पे 1280 से 1300 का टारगेट,
गोदरेज सीपी में देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर 1280 का टारगेट पहला वाला और 1208 आपका स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। प्रदीप, कुछ पॉजिटिव फॉर्मेशन ध्यान में है पर मैं ब्रेकआउट के कंफर्म होने का वेट करूंगा, तो फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं। अरुण, आपका क्या इरादा है? अगेन सेम मशहदा जी, मैं भी वेट करूंगा। मोस्टली 1 o'clock के बाद में कोई भी स्टॉक मिलता है तो जरूर इशू करूंगा। एक एक स्टॉक बाद में आएगा, इस समय नहीं। ओशो ने गोदरेज कंज्यूमर जोड़ा है। इनफैक्ट वो रिटर्न्स क्या बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो हमारे जानकारों ने दरअसल ट्रेड्स दिए एक एक करके। सबका पोर्टफोलियो रेडी होगा, तब तक जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे ग्रासिम की, और ग्रासिम का स्टॉक पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा है धीरे धीरे करके पोजीशंस अच्छी खासी तेजी की बनी। आज भी काउंटर करीब करीब 0.5% ऊपर है। अब 0.13% के गेंस देखने को मिले हैं 2195 के लेवल्स पर। अब ग्रासिम की हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले 10 दिनों में, जब ये महीना अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ेगा, या फिर 8 दिनों में राधा, ग्रासिम अपना जो पहला पेंट प्लांट है वो कमीशन होता दिखाई दे करेगा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम आपको पूरी इंडस्ट्री की पिक्चर पेश कर रहे हैं। बाजार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जो मार्केट के रंगबाज हैं, वो अब आपके सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं एशियन पेंट सबसे बड़ा प्लेयर है, उसके बाद ऑफकोर्स बर्जर, कंसाई, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, एक्सो नोबल और शालीमार पेंट, ये वो लिस्टेड एंटिटीज हैं जो बाजार में काम करती हैं और अच्छा खासा इनका ब्रांड रिकॉल भी है। लेकिन यहाँ पर अब इनको टक्कर देने के लिए दो नई एंट्रीज आएंगी। एक ऑफकोर्स JSW पेंट्स है, दूसरा है ग्रासिम, और ग्रासिम ने बड़े निवेश का दरअसल ऐलान कर दिया है, तो बड़ा कंपटीशन लार्जली ग्रासिम की तरफ से ही बनता हुआ दिखाई देगा। अब किस तरह का मार्केट साइज है, अभी करीब करीब 62,000 करोड़ का यह मार्केट है, लेकिन अगले 5 सालों में इसमें और रंग खिलने वाले हैं, 1,00,000 करोड़ तक ये मार्केट साइज पहुंचने का आसार है, ये इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कह रही हैं। अब इस पर्टिकुलर मार्केट को सबसे ज्यादा किसने भुनाया है, वो डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट है, 70% का मार्केट वहां पर आता है, और फिर इंडस्ट्रियल में करीब 30% तक का मार्केट आता है। जो एक सोल प्लेयर, जो लीडर ऑफ द पैक रहा है इस पूरे पेंट मार्केट में, वो जाहिर तौर पर एशियन पेंट है, जहां पर इनकी डेकोरेटिव पेंट बाजार में करीब 50 से 55% तक की हिस्सेदारी है। 65,000 से ज्यादा डीलर्स एशियन पेंट के अकेले हैं। अब आइए कि ग्रासिम इसको कंपटीशन देने के लिए क्या कुछ कर रहा है। तो ग्रासिम इस महीने अपना पहला प्लांट लॉन्च करेगा। याद रखिएगा, 3 प्लांट इनके आने वाले हैं, 2 पंजाब में, 1 ऑफकोर्स साउथ इंडिया में। Q4 ऑफ FY24 यानी कि अगले क्वार्टर में 2 और प्लांट एक कमीशन होते हुए दिखाई देंगे, और 12 से 15 महीनों में पूरे 3 प्लांट कारोबार में जुड़ जाएंगे। अच्छी खासी कैपेसिटी प्लान की हुई है, और उस कैपेसिटी को एड्रेस करने के लिए करीब 10,000 करोड़ तक का खर्च ग्रासिम करती हुई दिखाई देगी। अब इस 10,000 करोड़ का जो निवेश का ऐलान था, उसमें से 6,000 करोड़ कमिट हो चुके हैं, वो पैसा लग गया है, और एक साइजेबल कैपेसिटी ग्रासिम दरअसल तैयार करती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, ये बस बाय द वे नहीं आ रहे हैं, कंपनी का प्लान यही है कि एक प्रॉफिटेबल नंबर 2 प्लेयर उभर कर आएंगे। ये इनफैक्ट कुमार मंगलम बिरला ने पिछले साल अपनी AGM में स्पेसिफिकली कहा था कि पेंट बिजनेस इनका नेक्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ रहेगा, और एक प्रॉफिटेबल नंबर 2 पोजीशन पर ये आएंगे, यानी कि बाकी के प्लेयर्स को कड़ा टक्कर देने को तैयारी कर चुका है ग्रासिम। इस लिहाज से जेफरीज इस पर्टिकुलर स्टॉक पर बुलिश हो गया है। टारगेट इन्होंने 2300 का ही दिया है, स्टॉक नियरली 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो दरअसल फैसिलिटी कमीशन होगी, आई एम श्योर कुछ और ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी आएगा, तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं ये एक स्टॉक है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए, इस मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज ऊपरी लेवल से मोमेंटम थोड़ा सा फीका पड़ा है, लेकिन कोशिश लगी है कि करीब करीब 7 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। चलिए, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं वो अपडेट भी, आई फॉरगॉट, आपके सामने पेश करते हैं। इंजीनियर्स इंडिया 255 का टारगेट है, वो होल्ड कर रहे हैं ट्रेड। अरुण कुमार मंत्री, हुडको जोड़ा 230 का टारगेट है, 196 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं?
ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। EIL ड्रैग कर रहा है, होडको 0.22% का रिटर्न दे रहा है। प्रदीप ने सनफार्मा जोड़ा, 1600 का टारगेट, 1519 का स्टॉप लॉस है। बाय साइड का ये ट्रेड है इस घंटे। ये स्टॉक 0.09% तक का एडिशनल ट्रेड जोड़ रहा है। ओशो ने एक ट्रेड कैरी किया और दो जोड़े हैं। जो कैरी किया है वो है टाटा कॉम, 1880 टारगेट, 1795 स्टॉप लॉस। आरती इंडस्ट्री 735 का टारगेट है, 688 का स्टॉप लॉस। गोदरेज कंज्यूमर अभी जोड़ा, 1300 का टारगेट, 1208 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। रिटर्न्स की सिचुएशन, गोदरेज ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, आरती थोड़ा ड्रैग कर रहा है, टाटा कॉम में भी हल्का सा दबाव बना हुआ है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है कल और आज के बीच? सिचुएशन ये है कि प्रदीप के 1% के रिटर्न्स अब 0.76% हो गए हैं, ओशो -1.26% पर हैं और अरुण कुमार मंत्री के रिटर्न्स -5.58% पर आए हैं। देखते हैं यहाँ से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आता है या नहीं। लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।